हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ कि आप अगर उसको सुनेंगे और उसको सोचेंगे तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। क्या गजब गजब के शौक पालते हैं इंसान, क्या मतलब उनकी शौक है। उस शौक के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी वो देने के लिए तैयार है। ऐसा ही एक शौक है, आज मैं आपको बताता हूँ। जेफ बेजोस, इनको तो इनका तो नाम सुना ही होगा आपने। अमेजोन, हर छोटी छोटी चीज़ आप अमेजोन से मंगाते हो। अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस, ये अभी 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जा रहे हैं और इनके बगल वाली सीट पर बैठने के लिए एक बोली लगी है, पता है आपको। और उस बोली के लिए एक शख्स ने 205 करोड़ रुपए खर्च किए। यू कैन बिलीव इट, आप इमेजिन कर सकते हो। उनके बगल वाली सीट में बैठने के लिए उसने करोड़ों रुपये दिए। मतलब एक सोचने वाले गजब का शौक है, इसको अपन कह सकते हैं। उस शख्स ने 205 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 20 मिलियन उसने वो राशि चुकाई है और सिर्फ एक सीट के लिए 159 देशों ने बोली लगाई, जिसमें से 7600 लोगों ने भाग लिया। अब आप देख सकते हैं, और यह राशि एक एनजीओ को जाएगी। मतलब इसको यह जो जेफ बेजोस ने कहा था कि यह राशि एक एनजीओ को जाएगी जो गरीबों को काम आएगी, वो कंपनी का ही एक फाउंडेशन है, उसमें यह राशि दी जाएगी। अमेरिका के तीन बड़े बिजनेसमैन हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो अंतरिक्ष में अपना व्यापार ढूंढ रहे हैं। एलन मस्क ने तो यहाँ तक कहा है कि वो मंगल पर भी इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं, यहाँ तक कहा है। अमेरिका के सबसे बड़े तीन उद्योगपति जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो अंतरिक्ष में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं और अंतरिक्ष में अपने बिजनेस के इन तीनों में कंपटीशन हो रहा है। अब वो कौन कौन है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जेफ बेजोस, ये भी अंतरिक्ष में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। दूसरा रिचर्ड ब्रेंसन, ये भी है। और थर्ड है एलन मस्क। ये तीनों अंतरिक्ष में जा रहे हैं और टूरिस्ट हैं उनको भी उनको ले जा रहे हैं, वहाँ शेयर करवा के ला रहे हैं। एक तरह को उन्होंने एक बिजनेस की संभावना तलाशी है वहाँ पे। तो आज मैं आपको बता दिया आपको कि यार जेफ बेजोस के बगल वाली सीट के एक शख्स ने 205 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, और अभी तक इस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है, जब इसकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और नीलामी प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कह रहे हैं कि इसका नाम उजागर किया जाएगा। जब भी अगर इसका नाम उजागर किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ आज यहीं, देखते रहिए मेरा वीडियो।